हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी ट्रिक पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके फ्रेंड विश्वजीत। दोस्तों, आज की वीडियो पे तीन ऑफर बताऊंगा और साथों में दोस्तों टाइट का जो 21,000 कैशबैक है उसका ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक मैंने लास्ट महीने अप्लाई किया था और इस महीने उसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि भाई रिवॉर्ड मिल गया है। तो ट्रिक हाथ में लग गया है। इस ट्रिक के तहत आपको फ्लैट 9,000 रुपीज पर अकाउंट की प्रॉफिट होगा। लेकिन अब अभी से उतना खुश मत हो जाना, थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, मैं आपको समझा दूंगा सब कुछ। तो वीडियो पे बने रहिएगा आगे तक, तभी दोस्तों आपको सारे के सारे चीज की पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो करना है, फटाफट लाइक करो और कुछ भी एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जो भी बंदा फास्ट लाइक एंड कमेंट करेगा उसको तो एसोड हमारी तरफ से अमेज़न वाउचर मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जितने भी सारे लोग लाइक और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनमें से भी भाई कुछ रैंडम यूजर को उनकी कमेंट की रिप्लाई पे हम अमेज़न वाउचर सेंड करेंगे। मस्ट भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दो छोटा मोटा अपडेट्स है, ऑफर्स है, कुछ बता देते हैं। दोस्तों, आपके पास क्या जुपिटर की अकाउंट है, जुपिटर ऐप, जुपिटर की जो बैंक अकाउंट अगर है तो आप उस ऐप को ओपन करो। उसके बाद उस पर अगर कुछ पैसा नहीं है तो थोड़ा सा दो तीन सौ रुपीज डाल दो। उसके बाद कोई भी एक मर्चेंट क्यूआर कोड लो, उसको स्कैन करके आप 50 रुपीज करके मिनिमम ट्रांजेक्शन करो। जब भी ट्रांजेक्शन करोगे यहाँ पर दिखा देगा कि अप टू 100 ज्वेल मिलेगा। 100 ज्वेल का मतलब होता है भाई 20 रुपया। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ऑलरेडी मैंने किया, फ्लैट 100 यहाँ पर ज्वेल मिला, यानी 20 रुपया। उसके बाद अगेन एक किया तो उस पर भी दोस्तों मुझे 30 ज्वेल मिल गया। और दोस्तों मैक्सिमम तीन ट्रांजेक्शन पर भी मिलेगा। तो आप 50-50 रुपीज करके स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा और रिवॉर्ड कमा लीजिएगा। जब भी रिवॉर्ड आ जाएगा उसको कैश पे कन्वर्ट आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो आ रहा है भाई गूगल पे की तरफ से। एकदम एक जबरदस्त लूट चल रहे भाई गूगल पे का। आपके अकाउंट को चेक करो, ऑफर्स वाले सेक्शन पे जाके चेक करो, आपको इस टाइप का एक ऑफर दिखेगा। आपको गूगल पे पर यूपीआई लाइट को एक्टिव करना है और एक्टिव करने के बाद फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट एवर ये ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम के लिए ओनली 15 रुपीज़ या फिर उससे ऊपर का कोई भी एक मोबाइल रिचार्ज करो। 15 रुपीज़ का आप चाहे तो एक डेटा पैक भी रिचार्ज करा सकते हैं। 15 का रिचार्ज करो, 30 मिलेगा पूरे के पूरे फ्लैट 30। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं भाई, सभी लोगों को 30 मिलेगा। कितने लोगों को 30 मिल रहे हैं हमारे टेलीग्राम पे भाई, प्रूफ की बरसात चाहिए। ठीक है, तो जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। और हमारा @BTrickBot है हमारा बॉट, जिसके तहत आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उसी बॉट पे भाई आपका प्रूफ जो है वो पूरे बारिश कर देना। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो आ रहा है भाई टाइट की तरफ से। दोस्तों, टाइट का 21,000 कैशबैक वाला ऑफर, आई होप आप सभी लोगों को बताएं। उसमें और भी कुछ एडिशनल ऑफर आ गया है, क्योंकि दिवाली है भाई, दिवाली तो सबका स्पेशल बन ही जाएगा। सबसे पहले कुछ रूल्स एंड कुछ कंडीशंस आप सुन लो इस ऑफर को ट्राई करने से पहले। पिछले बार भी भाई ऐसे ही कुछ ऑफर्स आया था, मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोगों ने पूरे टूट पड़े थे। और जैसे ही टूट पड़े थे भाई, उसका मौका देख के टाइट वालों ने क्या किया, मैक्सिमम कार्ड का ट्रांजेक्शन ऑफ कर दिया। तो आपने पैसा तो यहाँ पे डाल लोगे लेकिन पैसा को निकल नहीं पाओगे। बहुत मतलब कि यहाँ पे मेहनत मशक्कत लग जाएगा। बहुत लोगों का पैसा 2-3 महीने के लिए फंस के पड़ा था, उसके बाद हमने कुछ ट्रिक देके सबका पैसा निकल दिए। लेकिन भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी ऐसा कुछ हो, इसीलिए ऑफर को आप मतलब सुनते ही ट्राई मत कर लेना। देखो, ऑफर ट्रिक सब कुछ मैं बता के जाऊंगा, लेकिन अभी जाके सभी लोग टूट नहीं पड़ना। ठीक है, अभी ऑफर को सुन लो, समझ लो, उसके बाद अपने हिसाब से टाइम निकल के करना। अभी अगर एक साथ जाओगे तो दोनों ही जगह पे, जहां पे एक्सेप्ट हो रहे टाइट कार्ड से पैसा वो भी ऑफ हो जाएगा और टाइट पे भी भाई ट्रांजेक्शन वो लोग ऑफ कर देगा। आपको तो पता है कि टाइट कितना घटिया है। ठीक है, तो लेकिन कैशबैक देगा भाई, कैशबैक पूरे पक्का देगा। सबसे पहले चलो प्रूफ से शुरुआत कर दो। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा टाइट अकाउंट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 200 रुपीज़ का रिवॉर्ड, यहाँ पे जो 200 रुपीज़ का रिवॉर्ड देख लो। लास्ट महीने मैंने एक 5,000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया था, यहाँ पे देख लो 5,096 रुपीज़ का मैंने मोबीक्विक को एक ट्रांजेक्शन किया था। यहाँ पे देख लो दोस्तों, मुझे 200 का कैशबैक मिल गया। उसके लिए मेरा चार्ज बहुत ही ज़्यादा कट गया था, क्योंकि मोबीक्विक पे चार्ज बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट भाई 3% के आसपास। तो मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो ट्रिक है, इससे आपका टोटल अगर पूरे के पूरे यहाँ पे जो 6 लाख की ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला है, अगर पूरा करोगे तो आपका 9,000 रुपीज़ का फ्लैट प्रॉफिट रहेगा। बट आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझा के जाऊँगा कितना करना है और कैसे करना है। यहां पे देखो, 5,000 का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 200 रुपीज, 20,000 का करोगे तो आपको मिलेगा 700 रुपीज, 50,000 का करोगे तो मिलेगा 1,700 रुपीज। इसके हिसाब से टोटल में आपको मिलते मिलते भाई पूरे के पूरे 6 लाख तक की आप ट्रांजेक्शन करके अप टू 21,000 रुपीज़ तक कमा सकते हैं। वो ऑफर आई होप आप सभी लोगों के पास पूरे क्लियर है। आप पहले एक बार मेल चेक कर लो, मेल पे ऑफर का मतलब कि मेल आया है तभी जाकर ऑफर को ट्राई करना, अदरवाइज ट्राई मत करना, क्योंकि मेल मिला होगा तभी। और ये ऑफर कभी भी बोलो एक्सपायर कर देगा, तो इसलिए टेलीग्राम पर हमारा जरूर ज्वाइन करके रहना और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना, क्योंकि कभी भी ये ऑफर एक्सपायर होगा तो मैं बता दूंगा। तो अभी आपको करना क्या होगा, अभी टाइट कार्ड पर पैसा ऐड कर लो।
₹5,000 से शुरुआत करना, और हमेशा एवरी टाइम आप 5,000 से ज़्यादा पैसा मत डालना, इस पर आपका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और फ्यूचर में भाई क्या ही बताऊँ, मतलब कि 5,000 यहाँ पे डालोगे तो ही भी भाई सेफ रहेगा, क्योंकि 5,000 डाल के निकालोगे, उसके बाद अगेन 5,000 डालोगे निकालोगे, ऐसे करते करते आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर एक साथ एक बड़ा अमाउंट डाल दोगे, उसके बाद अगर इनकेस टाइट कार्ड आपका ट्रांजेक्शन को ऑफ कर दिया, तो भाई उस पर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मैंने ₹5,000 डाल के बजाज फिनसर्व का जो UPI ऐप है, आई होप आप सभी लोगों को बताएं, वहाँ पे दोस्तों मैंने पिछले बार का जो टाइट का वीडियो दिया था वहाँ पे बता के गया था कि उस पर सभी लोग KYC कर लो, क्योंकि अगर बजाज फिनसर्व का जो UPI ऐप है उसका जो वॉलेट है, वॉलेट पे अगर आपका KYC नहीं है, पहले उसका KYC को कंप्लीट कर लो। KYC कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे ऐड मनी करोगे तो वो पैसा को सीधे बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज, एक भी रुपीज़ का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पे ऐड मनी पे 2% चार्ज लेता है, बल्कि 5,000 रुपीज़ जब वहाँ पे ऐड मनी करोगे, यहाँ पे 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। देखो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग उधर भी नहीं होता है और ना तो स्ट्राइप पे होता है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट के इस्तेमाल में कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो भाई, मैं यहाँ पे 5,000 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5,100 कटेगा। चलो कोई नहीं, मेरा यहाँ पे है तो यहाँ पे 5,100 देखे 5,000 का ऐड मनी कर लिया, मतलब कि मेरा 100 का घाटा गया। तो 5,000 जब भी उसकी बजाज पे की वॉलेट पे आता है तो उस पैसे को मैं कोई भी एक मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके भेज देता हूँ। वो कैसे होता है, क्योंकि बजाज पे की जो वॉलेट है अगर उसको आप फुल KYC करोगे तो भाई उस पर आप UPI लिंक कर सकते हो। जैसे अमेजोन पे अगर आपका फुल KYC अकाउंट है तो उससे आप वीडियो KYC करके उस वॉलेट को UPI के साथ लिंक करा सकते हैं, तो वैसे सेम टू सेम बजाज के साथ भी होता है। हो गया, तो उसी सेम प्रोसेस से भाई क्या किया मैंने, 5,000 रुपीज़ को बस स्कैन करके मेरे बैंक पे ले लिया, तो 5,000 को पूरा बैंक पे ट्रांसफर करने पे 100 रुपीज़ का खर्च आए। उसके बाद अगेन अगर मैं ट्रांजेक्शन करूँगा तो अगेन मैं टाइट पे 5,000 ऐड करूँगा, अगेन सेम प्रोसेस से निकालूंगा, समझ गए बात। तो 5,000 पे 100 रुपीज़ का खर्चा हुआ, लेकिन मिलेगा कितना, 200, तो 100 रुपीज़ का इधर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट और ज़्यादा करना चाहते हो तो 20,000, मतलब कि यहाँ पे जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन से पहले आपको नहीं रुकना है, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपको पूरे के पूरे 20,000 तक ही करना है तो 5,000 पे नहीं रुकना है, पूरे के पूरे 20,000 का ही करना है, तभी नेक्स्ट माइलस्टोन का पैसा मिलेगा। सपोज मान लीजिए कि आप 19,999 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर लिए, 1 रुपीज़ बाकी रह गया, फिर भी आपको वही 200 ही मिलेगा, वो 700 नहीं मिलेगा। तो इसलिए 5,000 का हो गया, उसके बाद 20,000 का करना है, तो ऐसे 5,000 करके और 3 बार कर लेना, तो टोटल में 20,000 का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर 20,000 को होगा तो 200 नहीं, तो पूरे के पूरे यहां पे जो आपको 700 बोला गया है तो 700 ही मिलेगा, ठीक है। तो 20,000 करने के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन रहता है भाई 50,000 पे, तो अगर 50,000 का करना है तो भाई वो इंस्टेंट, मतलब कि इंस्टेंट नहीं है, मतलब कि आपके हिसाब से आप करके पूरे 50,000 का ही कंप्लीट करना। आप 47 या फिर 48,000 पे अगर रुक जाओगे तो भाई वही 20,000 का 700 ही मिलेगा, वो पूरा नहीं मिलेगा, तो हर जगह पे 2% के हिसाब से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम 5,000 का करते हो तो आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट रहेगा, 20,000 का कर लेते हो तो आपका 300 रुपीज़ का प्रॉफिट रहेगा, 50,000 का कर लेते हो तो आपका 700 रुपीज़ का प्रॉफिट रहेगा। और ऐसे करके मैंने टोटल में हिसाब करके देखा, अगर आप ये टोटल पूरे के पूरे 6,000 रुपीज़ के ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो भाई आपका टोटल में 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रहेगा। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 लाख का करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप ये जो 5,000 की माइलस्टोन या फिर 20,000 की माइलस्टोन मस्ट कंप्लीट कीजिएगा, 100 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ का तो पक्का प्रॉफिट रहेगा। और ये जो रिवार्ड की कन्फर्मेशन की मेल आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा भाई नेक्स्ट महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर, आपको कुछ स्टेप्स से देखो मेल आ जाएगा जहाँ पे लिखा जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस, आप ऐसे ऐसे करके कुछ ट्रांजेक्शन किया था फलाना डीम का ना, तो आपको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। और इसकी 2-3 दिन के बाद जो कि आप देखोगे, मतलब कि 10 दिसंबर से पहले जो कि इसका रिवार्ड आपकी वॉलेट पर क्रेडिट कर दीजिएगा। तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है बट ट्रस्टेड है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ आपको समझाना चाहिए था वो आपने मतलब कि बेहिचक समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।